इस वीडियो में हम पिक माइक्रोकंट्रोलर की पिन को कैसे आउटपुट सेट करना है और उससे एलईडी कनेक्ट करके वो एलईडी को कैसे ऑन ऑफ करना है यह देखने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में जो पिक सिमुलेटर आईडी जो इंस्टॉल किया था, इसका अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट है, तो इसके ऊपर भी मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये इवेल्यूशन मोड में अभी सॉफ्टवेयर चालू है। अभी ये स्टार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी ओके करते हैं। ये जो पिक 16F877 ये आईसी है, इसका व्यू हम यहाँ पे अभी टूल्स में जाके देखेंगे। ये जो माइक्रो कंट्रोलर व्यू है इसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे, तो ये इसका व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, टूल्स में जाके बेसिक कंपाइलर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सारी कोडिंग करने वाले, यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे इसका आउटपुट हम जो माइक्रो कंट्रोलर के आईसी के पिने हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर में ये जो आईसी की पिने हैं इसको इनपुट या आउटपुट सेट करने के लिए ट्रिस रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई, इसमें ये टोटल 5 पोर्ट है। तो इसमें ये जो पिने लगी है या आईसी की पिने, इनको आउटपुट सेट करने के लिए या इनपुट सेट करने के लिए ट्रिस रजिस्टर होता है, तो इसको यहाँ पे भी हम सेट करने वाले हैं। कंपाइलर को मैं अभी थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि कोड अच्छे से दिखाई दे। ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी हमने जो सिलेक्ट किया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अभी हमको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रिस, और अभी हम बी पोर्ट को सेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस बी। जैसे हमने ट्रिस के आगे बी करेंगे तो एक कैपिटल लेटर में अभी यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद में इज इक्वल टू, हमको अभी क्या करना है, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी का जो बी पोर्ट है इसको अभी आउटपुट सेट करना है। बी पोर्ट कौन सा है इसका, ये जो 33 नंबर से लेकर 40 नंबर तक जो भी पिन है ये बी पोर्ट में आती है। माइक्रो कंट्रोलर आईसी के ये जो पोर्ट होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल इसमें 8 पिन है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिस बी को यहाँ पे हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, बाइनरी में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो पोर्ट बी को आउटपुट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसके बाद में यहाँ पे 80 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो लास्ट वाला 0 है ये 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन से कनेक्टेड है, सेकंड नंबर 1 है, थर्ड नंबर 2 है। तो इस तरह से ये लास्ट वाला जो 0 है ये B7 है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट बी इज इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे। अभी खाली ये 2 लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, तो हम अगर इस कंपाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले हमको ये फाइल सेव करने के लिए बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल्स में जाके सेव एज करते हैं और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर का नाम देते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर। ओके, इसके बाद में इस फोल्डर में जाके हम और एक फोल्डर बनाएंगे। ये फोल्डर बनाने का रीज़न क्या है, हम जो भी यहाँ पे कोड को कंपाइल करेंगे तो उसकी बहुत सारी फाइल्स बनती हैं, तो हम किसी एक फोल्डर में बनाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको अभी ये जो हम कोड बना रहे हैं
ये एलईडी ब्लिंक के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलईडी ब्लिंक, और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को और इस फाइल को भी नाम देते हैं हम एलईडी ब्लिंक, और इसको हम अभी यहाँ पे सेव कर देते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे बैंक वन, बैंक टू, बैंक थ्री और बैंक फोर, ये रैम यहाँ पे अभी शो कर रहा है रैम लोकेशन वगैरह। तो ये जो हमने दो लाइन लिखी है यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपाइल असेंबल एंड लोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है F9, F9 प्रेस करके भी ये कोड कंपाइल हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे इसको कंपाइल कर देते हैं, इसका व्यू मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेट है इसको अल्टीमेट ही रहने देंगे, ये सिमुलेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसको स्टार्ट किया यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो टी लिखा था ये टी क्यों आता है, टी का मतलब यहाँ पे इनपुट पिन है। तो ये जो बी पोर्ट था यहाँ पे पहले क्या था, टी टी था, लेकिन अभी यहाँ पे ये टी नहीं है, तो ये आउटपुट पिन करके सेट हो गई है। तो इसको एक बार वापस से आपको मैं दिखाता हूँ, इसका ये जो मेमोरी है इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर मेमोरी। जैसे क्लियर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो बी पोर्ट है ये अभी इसकी जो पिन है इनपुट है, लेकिन जैसे हम लोड प्रोग्राम करके ये एलईडी ब्लिंक हमने जो फाइल एलईडी ब्लिंक करके हमने जो फाइल बनाई थी इसका ये हेक्स फाइल है, तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड वापस से यहाँ पे अभी लोड हो गया है। तो इसको सिमुलेशन को वापस से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये अभी आउटपुट करके ये पिन सेट हो गई है। तो आगे हम क्या करेंगे, इस सिमुलेशन को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अभी हमको ये जो पोर्ट है इसको ऑन करना है, तो इसको ऑन कैसे करेंगे और एलईडी ब्लिंक कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, इसको भी 8 बार लिखना होता है। ये जो पोर्ट भी है यहाँ पे खाली मैंने 1 ही 0 लिखा है, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ पोर्ट बी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और वापस से इस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये जो व्यू है इसको ऑन करते हैं, अभी ये कोड यहाँ पे लोड हो गया है। सिमुलेशन को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी 0 नंबर पिन अभी ऑन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे सिमुलेशन को तो पता चलेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इस सिमुलेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सिमुलेशन को स्टार्ट किया इसके बाद में यहाँ पे रन टू नेक्स्ट बेसिक स्टेटमेंट करके यहाँ पे एक बटन आ गया है, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ट्रिस बी जो रजिस्टर है ये अभी सिलेक्ट हो गया है। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये जो बी पोर्ट है ये आउटपुट सेट हो जाएगा जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं तो ये जो बी पोर्ट है ये आउटपुट हो गया है। इसके बाद में ये पोर्ट बी इज इक्वल टू 0 है, रन टू नेक्स्ट बेसिक स्टेटमेंट, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये नेक्स्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट हो गया है, और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये जो RB0 है ये ऑन हो जाएगा, अभी ये ऑन हो गया है। तो ये बाकी पिन क्यों ऑन नहीं हुई इसकी, तो इसको पहले स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे हमको 8 बार 0 लिखना होगा और 8 बार 1 लिखना होगा, तो क्या ऐसा करके हो जाएगा, चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम और 7 0 ऐड करेंगे, एक तो पहले से है, एक
दो तीन चार पाँच छः सात, और यहाँ पे भी हम सात एक नंबर ऐड करेंगे। ये जो ट्रिस रजिस्टर है इसको अभी हमने यहाँ पे 0 0 लिखा है, अगर यहाँ पे हम इसको 1 1 कर देते तो ये जो पोर्ट बी है ये, तो ये जो पोर्ट बी की जो पिने हैं ये एज ए इनपुट काम करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी और सात सात बार एक ऐड कर देंगे तो पोर्ट बी जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन होता है क्या नहीं, हम एक बार करके देखेंगे या कुछ प्रॉब्लम आता है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसको सेव करके इसको कंपाइल एंड असेंबल एंड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, एरर इन लाइन 3 आर्गुमेंट 111 इज नॉट अ वैलिड बाइट टाइप कॉन्स्टेंट। तो अभी यहाँ पे ये बाइनरी करके सिलेक्ट हो गया है। क्या करना है, इसको परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इसको भी और इसको भी, ये पोर्ट भी, ये जो इसको अभी हमने 0 किया था यहाँ पे इसको हमने ऑन किया है। यहाँ पे जैसे ही परसेंटेज का साइन लगा देंगे इसके बाद में इसको सेव कर देंगे और कंपाइल में जाके कंपाइल एंड असेंबल एंड लोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। या इसको हम एक दूसरी तरह से भी इसको लिख सकते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, ये परसेंटेज का साइन वगैरह इसको हटा के हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 0 0, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 255, तो ये भी ओके, ये भी चल जाएगा। इसको हम यहाँ पे सिमुलेशन में जाके इसको अल्टीमेट कर देते हैं, सिमुलेशन स्टार्ट, तो ये सभी पिने इसकी ऑन हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसको यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे और यहाँ पे 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे ही यहाँ पे हम 8 बार 1 लिख देंगे परसेंटेज करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको एक बार सेव करके कंपाइल एंड असेंबल एंड लोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी सही है, ये भी चल जाएगा। इसको स्टार्ट कर देते तो भी ये ओके हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इस पोर्ट को ऑन ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ कैसे करेंगे, एक बार ऑन ऑफ तो हो गया है लेकिन इसको कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डिले ऐड करेंगे। डिले ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेट एम एस, वेट एम एस मतलब वेट मिलीसेकंड, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 50 मिलीसेकंड। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्ट बी इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन लगा देंगे और 8 बार 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 0 लिख दिया। इसके बाद में हम टूल्स में जाके कंपाइल एंड असेंबल एंड लोड में डायरेक्टली F9 दबा के भी इसको कोड को कंपाइल कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बार बार ये टूल्स में जाके यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये कोड कंपाइल हो गया है। इसके बाद में हम ये जो रेट है इसको अल्टीमेट ही रहने देंगे, सिमुलेशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एलईडी, तो ये पिन ऑन हो गई थी और ऑफ हो गई, इसको वापस से स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो पिने हैं इसको अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑन हो गए और ऑफ हो गया क्योंकि इसके नीचे कुछ प्रोग्राम नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो पिन है इसको कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, यहाँ पे एक एंटर प्रेस करके मैं अभी यहाँ पे एक इस प्रोग्राम को हम लूप में चलाएंगे। लूप में चलाएंगे तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोग्राम यहीं पे रन होता रहेगा। तो कैसे होता है वो भी आपको भी, वो कैसे होता है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन। इसके बाद में
इसके नीचे मैं लिखूंगा गो टू लूप, गो टू लूप। तो यहाँ पे जो लूप लिखा था, ये गो टू लूप क्या करेगा, जैसे प्रोग्राम यहाँ तक आएगा यहाँ से फिर वापस लूप में जाएगा, फिर ऐसा मतलब कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। तो अभी इसको एक बार कंपाइल करके हम सिमुलेशन स्टार्ट करके देखेंगे क्या होता है। तो एलईडी थोड़ा सा फ्लिकर कर रही है, क्यों फ्लिकर कर रही है, हमने ऑन के नीचे तो डिले यहाँ पे ऐड किया है लेकिन ऑफ के नीचे यहाँ पे डिले ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे भी हमको एक डिले ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर का बटन दबाता हूँ मैं, वेट एमएस करता हूँ और यहाँ पे 50 लिखता हूँ। तो ये 50 मिली सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा, 50 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो ये सिमुलेशन में मैं 50 यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअल में हम 50 करेंगे तो वो इतना फास्ट हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी इसको कंपाइल असेंबल एंड लोड, इसके बाद में हम सिमुलेशन में जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी पोर्ट भी है ये ऑन ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये भी आपको अभी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है कि वेट के ऊपर ही खाली ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, ये जो पोर्ट बी को हमने ऑन किया है और यहाँ पे पोर्ट बी को ऑफ किया है, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये दिखाई भी नहीं देता है। वेट में क्या होता है, प्रोग्राम कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है पोर्ट को ऑन करके, और पोर्ट को ऑफ करके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, तो ये बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 8x LED बोर्ड है इसको भी यहाँ पे ले लेंगे हम, और इसकी जो पिने है पोर्ट बी, हम इसमें कौन सा भी पोर्ट यहाँ पे और कौन सी भी पिन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट बी से ही कनेक्टेड है, तो इसको भी हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे गए, कहाँ पे चला गया वो, इसके नीचे चला गया। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको टॉप पे रहने देते हैं और सिमुलेशन को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पोर्ट बी से कनेक्टेड है, तो ये एलईडी भी यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही है। इस तरह से हम एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सभी के सभी पिन यहाँ पे ऑन। अगर हमको इंडिविजुअली एक एक पिन ऑन करनी है, ऑफ करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं पहले। इसके बाद में ये पोर्ट बी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमको जिस भी पिन को ऑन ऑफ करना है इसका नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पोर्ट बी 0 को ऑन करना है तो इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे port.0 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में एक बेनिफिट क्या है, हमको सेमी कॉलन वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है। ये अभी हमने port B0 को ऑन किया है, port B0 को यहाँ पे ऑफ किया है। तो इसको पहले सेव करेंगे, टूल्स में जाके कंपाइल एंड असेंबल एंड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और वापस से इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो साइज छोटा कर देता हूँ इसका। इसके बाद में ये जो एलईडी है इसको मैं टॉप पे रहने देता हूँ, और ये जो सिमुलेशन है इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, खाली port B0 है, यही पिन यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही है। तो इस तरह से हम किसी भी पोर्ट की पिन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, ये जो डेस्कटॉप है यहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोल का फोल्डर बनाया था, आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी फाइल्स होती है। तो कितनी फाइल्स होती है, ये एलईडी ब्लिंक का जो फोल्डर है इसके अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये 4 फाइल्स दिख रही है। किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 7-8 फाइल भी होती है। तो हम क्या करेंगे अभी इसको, इस तरह से हम आईसी की पिन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये जो AN0 लिखा है,
यहाँ पे ये एनालॉग पिन है। तो एनालॉग जो वैल्यू होती है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर सेंसर, LDR, इसकी जो वैल्यू होती है वो रीड करने के लिए एनालॉग पिन यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये मैक्सिमम 1023 तक दिखा रहा है। ये 10 बिट का ADC इस IC में लगा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।